तो एलिफेंट कैसे हैं आप दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी के कमाल का एक हिडन फीचर, या बोल सकते हैं कमाल का एक हिडन बटन बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप अपना कोई भी टास्क बहुत ही इजीली और बहुत ही क्विकली कर सकते हैं। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे देख ही दिया होगा, आपको बहुत सारे वहाँ पर ऐप्स मिल जाएंगे लॉक स्क्रीन पर, आप डायरेक्टली उन ऐप्स को एक्सेस कर पाएंगे बहुत ईजिली और समझ सकते हैं शॉर्टकट को क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा, कैसे यूज़ करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल के हिडन फीचर या हिडन बटन बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देखिए, मैंने यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर लिया। लॉक स्क्रीन के बाद आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ बहुत सारी ऐप्स दिख रही हैं। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स दिख रहे हैं, मुझे जिसको भी यहाँ पर खोलना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, उस पर क्लिक करूँगा और वो वहाँ पर डायरेक्टली मैं वहीं पर पहुँच जाऊँगा। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने क्रोम पर क्लिक करा तो वहाँ पर क्रोम खुल गया है। ऐसे ही अगर मैं लॉक स्क्रीन क्लिक लॉक पर जाऊँ, वापस वहाँ जाऊँ, यहाँ पर जाऊँ, अगर मैं खोलूँ इसको कॉल को, तो ये कॉल भी खुल जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ इजीली यूज़ कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो ऐप्स को आप मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ऐप को आप वहाँ पर लगा सकते हैं, जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा, या बोल सकते हैं बहुत क्विकली आप उसका यूज़ कर पाएंगे। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की गुडलक ऐप में। गुडलक मॉड्यूल में जाने के बाद आपको वहाँ मिलेगा लॉक स्टार मॉड्यूल, वहाँ जाना है। वहाँ पर आपको लॉक स्टार को ऑन करना है। ऑन करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको उस पर जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट पहले ऐसा ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है नीचे की तरफ। जैसे नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अलाइनमेंट भी दिए हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको जिस अलाइनमेंट में चाहिए वो अलाइनमेंट चूज़ कर लेना है और वो आपको वैसे मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने ये अलाइनमेंट लगा लिया। अगर आपको ऐप कोई दूसरी चूज़ करना है तो यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐप को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारी ऐप्स खुल जाएंगी। आपको कोई दूसरी ऐप करना है तो आपको जिस ऐप को हटाना है वहाँ से उसको क्लिक कर दीजिए, हटा दीजिए, फिर अप्लाई कर दीजिए, वो ऐप वहाँ पर एड ऑन हो जाएगी। जैसा कि मैंने ये कर लिया है, इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव क्लिक करेंगे और लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो वहाँ पर मिल जाएगा शॉर्टकट्स, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में क्विक शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं हिडन बटन के थ्रू। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं बट यूज़ नहीं करते, पर मुझे बहुत सही लगता है, इसलिए मैंने आज आपको स्पेशल वीडियो बना के इसके बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।